नमस्ते फ्रेंड्स, सपनाज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेथी के पराठे। मेथी की सब्जी बच्चों को पसंद नहीं आती, तो इस तरह से हम पराठे बनाकर उनको दे दें तो उनको बहुत ही पसंद आएंगे। और इसका बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। तो देखते हैं पहले इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है, 1 कप मेथी के पत्ते, इसे अच्छे से धोकर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट लिया है 1 बड़ा चम्मच, स्वादानुसार नमक और तेल हमें चाहिए पराठा सेकने के लिए। सबसे पहले हम मेथी को बारीक कट करेंगे। ये मेथी हमारी कट करके तैयार है। अब हम एक मिक्सिंग बॉल लेंगे, इसमें गेहूं का आटा लेंगे, इसमें कटी हुई मेथी डाल देंगे। सारी सामग्री हमें इसमें डाल देनी है। ये सफ़ेद तिल, हींग, अजवाइन, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट, हरी मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और स्वादानुसार नमक। और इसमें हम तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच। तेल डालने से पराठे हमारे एकदम खस्ते बन जाएंगे। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें एक डो बनाना है। नॉर्मल रोटी के लिए जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, उसी प्रकार से हमें ये डो बनाकर तैयार करना है। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ये डो हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको चिकना करेंगे। ये एकदम सॉफ्ट डो हमारा तैयार है। अब हम पराठे बेलना शुरू करते हैं। डो में से थोड़ी सी लोई हम मीडियम आकार की लेंगे, इसको आटे में लपेटेंगे। इसको थोड़ा सा बेलेंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद हम इस पर तेल लगाएंगे। इस पर आटा डालेंगे। अब हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। फिर एक बार इसे तेल लगाएंगे और आटा डालेंगे और फिर इसे फोल्ड करेंगे। अब इसे आटे में लपेट के इसको फिर से एक बार हम बेलेंगे। मैंने यहाँ पराठे को ट्रायंगल शेप में बेला है। आप कौन सा भी आकार इसे दे सकते हैं। हमने तवा पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया है। ये पराठा हमारा बेल के रेडी हो चुका है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये देखिए, ये ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। अब हम गरम तवे पे थोड़ा सा तेल डालेंगे और इस पर पराठा डाल देंगे। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम पराठे को पलट देंगे।
ऊपर से हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेकंड सेकने के बाद हम पराठे को पलट देंगे। दूसरी साइड से भी हम पराठे को तेल लगाएंगे। इसी प्रकार से दोनों साइड से ब्राउन चिट्टियां आने तक हमें इसे रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पराठा हमारा बन गया है। ये दोनों साइड से पराठा हमारा सेक के तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे और इसी प्रकार से सारे पराठे बेलकर हम तैयार करेंगे। ये गर्मा गर्म पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये दूसरा पराठा हमने सेकने के लिए तवे पे डाल दिया है। इसी को भी हम उसी प्रकार से रोस्ट करेंगे। आप तेल के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये भी पराठा हमारा सेक के तैयार हो चुका है। ये गर्मा गर्म मेथी के पराठे खाने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। आप इसे दही चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे जो बेल आइकॉन है वो प्रेस कीजिए ताकि मेरे अपलोड की हुई हर रेसिपी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के एंड में जो लोगो आएगा इस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।